नमस्कार, मैं हूं किरण। स्वागत है आपका जन संदेश टाइम्स में। बरेली के बहेड़ी विधानसभा क्षेत्र में लगातार जनसंपर्क में जुटे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और संभावित प्रत्याशी डॉक्टर नसीम अहमद अपने जनसंपर्क दौरे में सपा सरकार में किए गए विकास कार्यों और उपलब्धियों के साथ ही भाजपा सरकार में गरीब जनता, किसानों, बेरोजगारों और नौजवानों के साथ किए गए धोखे और अत्याचार के बारे में बताकर भारी संख्या में जनसमर्थन हासिल करने में सफल होते नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में सपा नेता नसीम अहमद ने बहेड़ी के ग्राम रुड़की में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पूरा गांव मूलभूत सुविधाओं से भी अछूता है। यहां भाजपा के मंत्री ने अवैध खनन करवा कर किसानों की पूरी जमीन किच्छा नदी में कटवा दी और किसानों के हाथ कुछ भी नहीं आया। हालात यहां तक हैं कि गरीब मजदूर, डनलप और भैंस गाड़ी वालों तक से भाजपा के राजस्व राज्य मंत्री के गुर्गे अवैध वसूली कर रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन इस पर भी पूरी तरह से मौन है। इसके आगे नसीम अहमद ने कहा कि भाजपा सरकार में अन्याय और अत्याचार चरम पर है। आज हर वर्ग परेशान है, कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। भाजपा सरकार पुलिस के जरिए लोगों पर अत्याचार करा रही है। उत्तर प्रदेश में फर्जी एनकाउंटर के साथ अब हिरासत में मौतों के मामलों में राज्य सरकार को मानवाधिकार आयोग ने सबसे ज्यादा नोटिसें भेजी हैं। भारतीय जनता पार्टी सबसे झूठी, बड़ी झूठ की सबसे बड़ा पुलिंदा की पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी ने जो कथनी और करनी में उनके बहुत अंतर है। उन्होंने जो कहा था कि हम सबसे पहले जो है किसानों की आमदनी दुगनी कर देंगे, कहीं किसानों की आमदनी दुगनी नहीं हुई है। उन्होंने कहा था कि किसानों के खातों में 15-15 लाख रुपए जो भगोड़े भागे हैं उनका पैसा लेके आएंगे, काला धन जो है वापस लेके आके जनधन योजना में उनके खातों में डाला जाएगा। कोई पैसा नहीं डाला गया किसी उनके खाते में और न्यूनतम रेट की बात करी थी, किसी को न्यूनतम रेट नहीं दिया गया है। बल्कि जो मंडियां हमारी जो है अखिलेश यादव जी की सरकार में पूरे प्रदेश बनी हुई थी उन मंडियों को बंद करने की बात कर रही थी। 3 काले कानून लेके आ गए और ऐसा फरमान हिटलर शाही रात में लेके आ गए जो कोरोना के अंदर आज तक देश भूलेगा नहीं। रात में जो रिश्तेदार अपने रिश्तेदार ही में गया हुआ था, जो परेशान अपने मरीज को लेके गया था, वो दिल्ली का दिल्ली फंस गया, जयपुर का जयपुर फंस गया। उसके बाद जो लोगों ने पलायन शुरू करा और लोगों ने इन्होंने बस बंद कर दी, ट्रेन बंद कर दी, उसमें लोग अपने गांव पहुंचते पहुंचते बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश पहुंचते पहुंचते लाखों लोगों ने अपनी जान को गवा दिया। और जो कोरोना के अंदर ख़ास तरीके से इनके दूसरे पीरियड के अंदर ऑक्सीजन सिलेंडर इनके जो धरना सेठ थे उन्होंने ब्लैक के अंदर सिलेंडर भेजे, 1-1 लाख का सिलेंडर बिक गया, तब भी लोगों की जान नहीं बचा पाई। सरकार हर तरीके से फेल रही। और आज रोजगार की हालत ये है कि उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश के अंदर जो है रोजगार पीएचडी की डिग्री और बड़ी बड़ी डिग्री लेके घूम रहा है, उसको कहीं नौकरी नहीं मिल रही है। इसके आगे नसीम अहमद ने कहा कि आज खाद के लिए किसान लाइन में लगा है। इस सरकार ने समय पर खाद का इंतजाम नहीं किया, नौजवानों, शिक्षकों पर लाठीचार्ज किया, शिक्षा मित्रों के साथ अन्याय हुआ, पेपर लीक हुए। सरकार के पास रोजी रोजगार है ही नहीं, इसीलिए पेपर भी लीक कराए जा रहे हैं। भाजपा के लोग जनता के सामने झूठ बोलते हैं, लेकिन उन्हें भगवान के सामने भी झूठ बोलने में कोई संकोच नहीं है। साथ ही नसीम अहमद ने कहा कि अपनी 5 साल की विफलताओं को छुपाने और लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ही भाजपा सरकार नए नए तिकड़म और षड्यंत्र रचती रहती है। ये खबर बरेली से हमारे संवाददाता मोहम्मद वसीम की है। आप अपने शहर से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनसंदेश टाइम्स के साथ।